से कहते हैं संत महापुरुष, जिस तरह से वह सरोवर में कमल रह करके कमल का फूल कमल के पानी सरोवर के पानी से ऊपर रहता है, तो भगवान शयन कर रहे हैं शेष सैया पर और ये उपदेश करते हैं संसारिक जीवों को कि तू भी संसार में रहो पर मेरी तरह उसके ऊपर शयन करो, अपने सूरत को ऊपर रखा करके रखो। ऊपर ख्याल कहाँ, तो शरीर को संसार में रहो, शरीर से संसार में रहो पर मन से परमार्थ में रहो, परमात्मा में लगाए रहो, तब जाकर के शांति मिलेगी और शांति से जी पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान शेष सैया पर बड़ी गंभीर मुद्रा में रहते हैं और माँ लक्ष्मी चरण की सेवा करती रहती है। मैया लक्ष्मी निरंतर प्रभु नारायण के चरण को दबाती रहती है। कहने का मतलब क्या है कि जो संसार के माया में नहीं रहते हैं, माया की परवाह नहीं करते हैं और जो माया के ऊपर जो मायापति है उस पर ख्याल लगाए रहते हैं, तो कहते हैं उसकी सेवा में, मतलब उसके लिए माँ लक्ष्मी सदैव उपस्थित रहती है। लक्ष्मी है संतन के दासी, लक्ष्मी है संतन के दासी, रज चाहत कैलाश के बासी, रज चाहत कैलाश के बासी। लक्ष्मी है संतन के दासी, रज चाहत कैलाश के बासी, रज चाहत कैलाश के बासी। संत महापुरुष के बारे में कहा जाता है लक्ष्मी है संतन के दासी, पर दासी का अर्थ गलत मत लीजिए कि जो जुट्ठा कुट्ठा सेवा टहल नौकरान नौकर के तरह रहे, ऐसी बात नहीं। दासी मतलब क्या है कि संतों के लिए वो प्रकट रहती है, उपस्थित रहती है, मतलब संत के की जब इच्छा होती है ना किसी को धन मिले तो लक्ष्मी महारानी उसको पूरा कर देती है, यानी संत के सत्संग में वो निरंतर रमी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि संत की दासता मतलब सेवा में रहती है माँ लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि संत महापुरुष संसार के मेला ठेला में नहीं घूमते हैं, संत महापुरुष परमात्मा के भक्ति में रमे रहते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी उसके पास रहते हैं। और जो मेला ठेला में रहते हैं उसका जेबी खाली होके आ जाता है, लक्ष्मी भाग जाती है ना उसके साथ। तो इसलिए लक्ष्मी है संतन की दासी और भगवान की सेवा में निरंतर वो लक्ष्मी माँ रहती हैं। एक बार की बात है, दस गुरु में एक गुरु जो प्रथम गुरु हुए थे उसका नाम था गुरु नानक देव जी महाराज, और दूसरे गुरु हुए उसका नाम था गुरु अंगद देव जी महाराज। तो अंगद देव जी महाराज के जो तीसरे गुरु हुए वो थे अमरदास जी महाराज। दस गुरु हुए सिख संप्रदाय में पंजाब में, तो अंगद देव जी महाराज के समधी थे अमरदास जी, वो गुरु हुए। तो अमरदास जी जो है ना माँ हिंगला देवी के भक्त थे, जैसे आप लोग दुर्गा माँ काली माँ की को अपने आप को भक्त समझते ना, वैसे वो भक्त है नहीं, क्योंकि माँ की बात नहीं मानते, अलग बात है, चलिए उधर विषय नहीं जाऊँगा, पर लोग भक्त मानते हैं। तो उसी तरह वो माँ हिंगला देवी की पूजा करते थे। और हुआ क्या कि जैसे अभी दशहरा का दिन है, जतरा ये विजयादशमी है या कुछ भी है, तो उसी तरह कोई अच्छा त्यौहार था तो अमरदास जी महाराज अपने मैया रानी के लिए पुष्प अगरबत्ती फूल पत्ति मेवा मिष्ठान लेके जा रहे थे चढ़ाने के लिए। अब माता जी का मंदिर दूर था तो क्या करे, तो रास्ते में इसके समधी जी का वो आश्रम था, तो सोचा चलो रात में आश्रम में रह जाऊँगा और सवेरे माता रानी का के लिए फूल पत्ति प्रसाद चढ़ा दूँगा। इसलिए रास्ते में समधी जो अमरदास जी थे अंगद देव जी उसी के आश्रम में रुक गए। आ सवेरे अब स्नान स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही और नया कपड़ा सपड़ा पहन के जाने लगे, तो देखा क्या कि जो माता रानी की मूर्ति वो मंदिर में है वो हूबहू उसी तरह की देवी वो आश्रम में झाड़ू लगा रही है। अब अमरदास जी को आश्चर्य हुआ कि भाई
वो तो मेरी माता रानी जगत की माता है, दुनिया उसको जानती है पूजती है। वो हमारे समधी के यहाँ आश्रम में क्या कर रही है झाड़ू लेकर के? आश्चर्यचकित आगे में आया, हाथ जोड़ के कांपते हुए बोले, माता जी ये आपका तो मंदिर नहीं है, तो हमारे समधी जी का आश्रम है, यहाँ क्या कर रही हो? तो मुस्कुराते हुए माता जी कहती है कि बेटा सुन मेरा भक्त प्यारे, तू जिस माता की पूजा करते हो ना दिन रात, और धूप दीप अगरबत्ती चढ़ाते हो और अज्ञानता में बकरी की मुड़ी भी चढ़ा देते हो, तो वो माँ जो है ना, वो भी तुम जिस माता की पूजा करते हो वही हिंगला देवी मैं हूँ। और ये जो तुम्हारे समधी जी है ना, ये बहुत बड़े संत हैं, बड़े बड़े 33 करोड़ देवी देवता साक्षात नारायण प्रभु इनके सत्संग में आया करते हैं। क्योंकि संत भगवान को दूसरा जगह अच्छा नहीं लगता, जहाँ संतों का संग सत्संग होता वो है वही वो बैठे रहते हैं। और जब साक्षात भगवान नारायण तीनों लोक के अधिपति अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक यदि वो सत्संग में आ जाते हैं, तो बताओ कि मुझ लक्ष्मी देवी पार्वती सरस्वती ये हिंगला नाम से जो विख्यात है, तो ये सब कहाँ रहेंगे? इसलिए हम लोग भी यहीं रहते हैं। और ये संत हैं, अनंत परमात्मा की भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं, इसे ये परम पवित्र हैं, इसलिए इसके आश्रम में मैं झाड़ू लगा देते हूँ। तो उस अमरदास जी तो देखते रह गए, सोचने लगे हे भगवान ऐसे संत की महिमा है। सवेरा हुआ तो अमरदास ये अंगद देव जी महाराज बैठे थे गद्दी पर, तो अमरदास जी गए और उसके चरणों में बैठ गए। तो अंगद देव जी कहते महाराज समधी साहब आपका जगह तो बगल में जो कुर्सी है वहाँ है, आप नीचे कहाँ बैठे हो? अमरदास जी कहते नहीं सरकार, आज से मैं आपका समधी नहीं, आज से मैं आपका बंदा हूँ, सेवक हूँ, आप मुझे अपने चरणों में ही स्थान देना। तब जाकर के इतनी सेवा करी अमरदास जी महाराज गुरु मान करके अपने समधी को, कि कहते हैं कि कभी जीवन में पीठ नहीं दिखाया था, एकदम सामने ही, पीछे जाना है तो पीछे चले गए, पीछे चल के ऐसी सेवा करी कि वो भी सेवा करते करते गुरु की गुरु का सारा दिव्य ज्ञान लिए और बाद में चौथे गुरु वही बने। 10 गुरु में चौथे नंबर की गुरु गद्दी उसी को मिली। कहने का मतलब क्या है कि सारे देवी देवता सारे जो ऐश्वर्य शक्ति है वो उन संतों के पास रहते हैं जो संत माया के पति के शरण में रहते हैं, माया की परवाह नहीं करते हैं। यही भगवान नारायण माया पति है ना, तो वहीं शेष सैया पर शयन करना मतलब क्या है, माया के ऊपर विराजमान है। तो जिसका ख्याल माया में रहते हुए भी माया पति पर रहता है, तो वही उसी के सेवा में लक्ष्मी माँ पार्वती माँ सरस्वती माँ तमाम देवी देवता भगवती भगवान उनकी इच्छा को पूरी करने में तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से भगवान, एक ने कहा कि भगवान जो तुम्हारा है ना, तो इसी तरह सोते रहते हैं। पर सोते कहाँ हैं? संसार में नहीं सोते हैं। ईश्वर भगवान जो है बड़े गंभीर हैं, मतलब स्वरूप का वर्णन किया कि शेष सैया पर भी बड़े गंभीर हैं और शांताकारम हैं, परम शांत हैं। तो हम भी शांत हो सकते हैं जब हम संसार के विषय रूपी विष से भरे हुए संसार का जो काल रूपी नाग है संसार, तो इसी के ऊपर यदि हम परमार्थ परमात्मा परम पिता में ख्याल रखेंगे तो हमारे अंदर भी शांति आएगी। और माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रहे मतलब हम भी यदि संसार में रहते हुए माया में रहते हुए महामाया में रहते हुए मायापति का ख्याल करेंगे तो हमारे पास भी शांति आएगी और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जो मायापति के शरण में जाते हैं तो मायापति के साथ ही माया देवी है, मतलब लक्ष्मी देवी है, तो उसको क्या कमी होगी? तो शांत भी रहते हैं और सब कुछ से संपन्न भी रहते हैं, सुखी भी होते हैं। इस तरह से ये स्वरूप का वर्णन है।
तो किसी ने कहा कि आपका भगवान तो सोए रहते तो हम लोग चार घंटा बेसिए सो गए तो क्या आपत्ति हो गई तुमको। तो वो सोना अलग है। किसी कवि ने कहा मही पर सोए के सोई रहियो, अरे जननी संग सोए के बाल कहायो, अब तो लग्यो तिरिया संग सोवन सारी उम्र तुम सोए गवायो, क्षीर समुद्र के सोवन हारा उनसे नहीं तुम नेह लगायो, सोवत सोवत सोई रहियो अब चिता पर सोवन को दिन आयो। कहते हम लोग तो सब दिन सोए हैं पर जिस दिन हम लोग क्षीर समुद्र के सोने वाले के गोद में सो जाएंगे वो दिन असली सोना होगा। अभी का जो सोना है वो तो खोने के समान है, जो सो गया वो खो गया। उस परमात्मा के गोद में जाकर के सोना असली सोना होता है, वो सोना असली सोना है, बाकी सब नकली सोना है। नकली सोना का कोई वैल्यू नहीं होता है। सोना मतलब गोल्ड एक अर्थ होता है ना, सोना मतलब सो जाना नींद में, आ एक सोना मतलब सोना गोल्ड सोना चांदी। तो असली का वैल्यू है, नकली का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। तो असली सोना वही है। तो क्षीर समुद्र के सोवन हारा उनसे नहीं तुम नेह लगायो। तो जब तक हम परमात्मा के गोद में नहीं सोएंगे तो ये सोना तो कोई बहादुरी नहीं है, ये सोना तो चिता पर भी होता है ना। इसलिए संत महापुरुष कहते दरिया सोवे सकल जग जागा नाही कोई, अरे जागे में जागा करे तो जागा कहिए सोए। तो हम लोग सब दुनिया सो रहे हैं, हम लोग भी सो रहे हैं, ये सोने में कोई फायदा नहीं है। ये सोते सोते तो न जाने कुंभकर्ण को गोल्ड मेडल मिला हुआ है सोने में, लेकिन वो राक्षस ही था, मानव नहीं था। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जागो रे जिन जागना अब जागन की बारी, जागो रे जिन जागना अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका जब सोबे पाँव पसारी, जागो रे जिन जागना अब जागन की बारी, जागो रे जिन जागना अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका जब सोबे पाँव पसारी, जागो रे जिन जागना अब जागन की बारी, जागो रे जिन जागना अब जागन की बारी। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगीनो होगा, अंतकाल संगीनो होगा संग न चल को तेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी हेर न सुख को तेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे,
अंतकाल संगीना होगा संग न चल को तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, ओ दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। या विधि भव फंदा कट जाए है, या विधि भव फंदा कट जाए है, मैं ही कहत हित है रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। अंतकाल संगीना होगा संग न चल को तेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे, क्या सोवत गफलत के मारे। सोना क्या होता है कि लोग आंख बंद कर लेते हैं, तो आंख बंद करके आ जब इधर से बेसुध हो जाते हैं ना, तो प्रायः हम बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो सो गया, पर इसी में तो अंतर है ना। संत महापुरुष भी समाधि में रहते हैं, तो संत महापुरुष भी अंदर ही जाते हैं। आंख बंद करने का मतलब है कि हमारा ख्याल अंदर चला गया और हम सो गए, पर अंदर में क्या होता है कि हम जहाँ पर ये जीव का भाषा है, तो ये जीव अंदर नीचे की ओर चला जाता है, वो अज्ञानता में चला जाता है, तो वो सोना सांसारिक सोना है। जब जीव अंदर में जा कर के ऊपर की ओर जाता है तो ज्ञान में जाता है, वो परमात्मा के पास जा कर के सोना होता है, यही अंतर है। इसी को कहते हैं क्षीर समुद्र के सोवनहारा उनसे नहीं तुम नेह लगायो। तो क्षीर समुद्र में जो सोने वाले मतलब परमात्मा के पास जब जाते हैं, तो तब भी हम संसार से बेसुध हो जाते हैं, पर संसार से अलग होकर के हम संसार को बनाने वाले, माया को बनाने वाले, वो परमात्मा सृष्टि के बनाने वाले, जगत के सृष्टा को प्राप्त कर लेते हैं, तो सब कुछ हमें मिल जाता है। पर जब हम संसार में खो जाते हैं तो परमात्मा तो छूट ही जाता है, संसार भी छूट जाता है। तो धोबी का गधा न घर का न घाट का, यही है सोना, मतलब सब तरह से हम खो जाते हैं। आइए दो मिनट सुनते हैं कि अंदर में हम कहाँ जाते हैं और कैसे सोते हैं और कैसे जगते हैं। देखिए उपनिषदकार कहते हैं, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदयस्थम तो तुरियम मूर्धनि संस्थितम। उपनिषदकार कहते हैं ऋषि महर्षि कि नेत्रस्थम जागृतम, जब हम जगे रहते हैं ना, तो हम जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में रहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हर जो सनातन धर्मी है मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो टीका या तिलक जरूर करते हैं। ये पहचान है कि हम आत्मा का श्रृंगार करते हैं, हम तो आत्मा हैं, हम अपने आप का श्रृंगार करते हैं, तो वहीं पर हमारा वासा है जहां हम तिलक लगाते हैं। इसलिए वहीं पर जब हम जगे रहते हैं तो हम वहीं बैठे रहते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो कंठे स्वप्नम समावेशित, हम कंठ में आ जाते हैं। इसलिए वैष्णव लोग को देखिएगा कि कंठ में भी वो तिलक करते हैं, कंठ में भी माला पहनते हैं ना, उसका भी श्रृंगार है। तो हम जब सोते हैं तो कंठ में आ जाते हैं, वहाँ सरस्वती माँ का वास है, इसलिए वहाँ भी हमारे पास विद्या रहता है, विवेक रहता है, बोलने की शक्ति रहती है, वाणी रहती है। इसलिए किसी किसी को देखिए सपने में भी वो बोलते हैं तो बाहर में आवाज़ आती है, तो लोग को लगता है कि सपना रहा है,
पर वो कंठ में रहता है तो वो स्वप्न जगत में रहता है, अज्ञानता में रहता है। उससे भी आगे जब हम गहरी नींद में जाते हैं तब सपना का भी दृश्य खत्म हो जाता है, तब हम हृदय में आ जाते हैं। तो रोज के रोज ये जीव आँख के दोनों मध्य से ये हृदय कंठ में आता है और कभी कभी हृदय में आता है, यही तीन जगह ये आता जाता रहता है। इसी को कहते हैं गहरी नींद में अज्ञानता में सो जाना। इसमें सोते सोते जीवन खपा देते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है। तो जागो रे जिन जागना, अब जागन की बारी, अब फिर क्या जागे नानका जब सोवे पौ पसारे। जागो रे जिन जागना, एक दिन ऐसा होएगा सोवे पाँव पसारे। तो एक दिन ये सोते सोते स्मशान में चला जाता है। संत महापुरुष कहते ये सोना जीवन में सोते खोने के समान है, फिर ये सोने के लिए समय नहीं मिलता है, फिर आगे बड़ा दुख होता है मनुष्य शरीर छूट जाने के बाद। इसीलिए आँख बंद करके और जब संत महापुरुषों की युक्ति लेते हैं, जप और ध्यान करते हैं, मन एकाग्र होता है, तो देखिए बिना एकाग्रता का नींद नहीं आती है। यही कारण है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग जो हैं वो मन उसका बेचैन रहता है, विचलित रहता है, इसीलिए देखिए उसको नींद भी नहीं आती है। तो मन एकाग्र होता है तब हम अंदर आते हैं, ये बात ध्यान रखना होगा। तो जब मन एकाग्र होता है तो हम अंदर आते हैं, लेकिन संत की युक्ति और भेद नहीं है, मुक्ति का द्वार हम जानते नहीं है कि उधर चलेंगे। मैंने कल कहा था कि मुक्ति का द्वार दशम द्वार है, दोनों आँखों के बीच में सामने में है, उसी को शिव नेत्र कहते हैं, उसी में कल्याण होता है, इसलिए शिव नाम पड़ा, या भोले बाबा ने उसी द्वार में प्रवेश किया इसीलिए उसका नाम शिव नेत्र है। तो हम मंदिरों में तो जाते हैं लेकिन उसी को कहते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। तो बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, उसी द्वार को ठाकुरवाड़ी लक्ष्मी और पार्वती और भोलेनाथ और पार्वती लक्ष्मी माँ, ठाकुर जी और लक्ष्मी माँ का द्वार है वहीं पर। लेकिन हम उधर के बारे में संत से जानते नहीं, जो अंदर में वो द्वार है ठाकुरवाड़ी है, तो हम नीचे चले जाते हैं, कुआं में चले जाते हैं और वहाँ पर से आ जाते हैं, फिर कुएं में चले जाते हैं। उस आदमी को कोई होशियार कहेगा क्या कि सब दिन बाजार में रहता है, फिर कुआं में जाके सो जाता है, फिर निकल जाता है? होशियार तो वो होता है ना कि दो मंजिला तीन मंजिला बना के ऊपर में जाके हवादार सोए। तो संत महापुरुष ऊपर ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम होए, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया तो आवागमन न होए। तो संत महापुरुष तो परमात्मा के महल में जाके सोते हैं, पर हम अज्ञानी जीव जाके कुआं में को डुबकी लगा देते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, अज्ञानता है, अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। तो दोनों आँखों के बीच से हम रोज के रोज नीचे आते हैं, कंठ में आते हैं, या कभी जब दिन भर इधर उधर दौड़ धूप करते तो गहरी नींद में हृदय में आ जाते हैं। तो यही सोना अज्ञानता में है, इसी सोने को मरना कहते हैं, ये मरण समान है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सोने में सब सोता है, दरिया सोवे सकल जग जागा नाहीं कोई, कोई जागते नहीं, पर जागा में जागा करे तो जागा कहिए सोए। तो हम लोग अभी भी जगे हैं, सोए ही हैं। तो देखिए जैसे कोई सपने में रहता है, तो सपने में यदि वो रहता है तो सपने में जब तक रहता है तब तक उसको नहीं लगता है कि हम सोए हुए हैं, उसको थोड़ी लगता है। जब वो जग जाता है ना, तब उनको लगता है कि हम तो सपना देख रहे, तो वो तो झूठा था। तो हम जब कंठ में रहते हैं और उस समय जो कुछ भी देखते हैं तो उस समय के लिए वो सत रहता है। जब हम जग करके दोनों आँखों के बीच में आ जाते हैं तब कंठ का स्थान में जो देखे वो झूठा हो जाता है। इसी तरह संत महापुरुष कहते हैं कि दोनों आँखों के बीच में अभी जब हैं तो ये सब कुछ सच मालूम पड़ता है। जब हम दोनों आँखों के ऊपर तुरीय अवस्था में मस्तिष्क में मूर्धा में जब हम चले जाते हैं तब ये जग अभी जो सत मालूम पड़ता है वो उस समय ये भी झूठा हो जाता है। जही जाने जग जाई हेराई, जही जाने जग
जाई हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदऊ बाले रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। तो जेहि जाने जग जाई हेराई आ जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये मैं अभी जो बोला ना तर्क दे करके, तो आप लोग सोचते होंगे कि बाबा अपने अनुमान से ये बात बोल दिए, लेकिन ये संतों की वाणी है। और संतों में जो महाज्ञानी संत कहिए भगवंत कहिए एक ही बात है, वो भगवान भोलेनाथ। वो कहते हैं कि जैसे जग जाते हैं ना, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए, जब हम जग जाते हैं तो स्वप्न का सब कुछ हमको भ्रम लगता है कि नहीं। तो जग जाते हैं तो स्थान बदलता है, क्योंकि हम कंठ से दोनों आँखों के बीच में आ गए तो वो जगह का जो जो कुछ था वो सपना हो गया। इसी तरह से दोनों आँखों के बीच में जो हम जीव अभी हैं, जब उससे ऊपर मस्तिष्क में आ जाते हैं तो दोनों आँखों के बीच से जो कुछ हम लोग देख रहे हैं वो ईश्वर के मस्तिष्क में ईश्वर का बसा है। वहाँ जब जीव चला जाता है उसका ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तो हमको ये जगत भी स्वप्न भाषित होता है। इसीलिए कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता द्रुत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। कहते हैं क्या कि उठो और जागो। अच्छा बोलिए, हम पहले हम लोग जागते हैं कि उठते हैं? जब मान लीजिए कोई सोया हुआ आदमी है तो पहले जगता है कि उठता है? पहले उठता है, पहले जगता है ना, तब उठता है। ऐसे हम लोग को देखने में लगता है कि पहले जग गया तब उठ गए, यही ना लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वो उठता है तब जगता है। अब कहिए कैसे? तो आप आत्मा के दृष्टि से देखिए, हम आत्मा जो है ना अंदर में नीचे चले जाते हैं, हृदय से दोनों आँखों के स्थान से कंठ में आ जाते हैं। तो उठना क्या होता है? मतलब लेटा आदमी तो खड़ा होता है, तो उसी को ना उठना कहते हैं, ऊपर आना। तो कंठ से जब हम ऊपर आते हैं तो उठते हैं, और जब उठते हैं तो दोनों आँखों के बीच में जब हम आ जाते हैं ना, तो ये वो स्थान है जिससे सारा शरीर का कनेक्शन है। दोनों आँखों के बीच में जब हम आते हैं तो यहीं से सारा तार जुड़ा हुआ है। जैसे बिजली जब बोर्ड में आ जाता है ना, तो उस बोर्ड से पंखा में बल्ब में इधर उधर सब जगह तार जुड़ा हुआ है। जैसे बोर्ड में बिजली आया तो सब कुछ काम करने लगता है। इसी तरह चेतन आत्मा जब दोनों आँखों के बीच में आ जाता है तो उसका आँख भी काम करने लगता है, हाथ भी काम करने लगता है, शरीर का सब जो चेतना है वो काम करने लगता है। तो तब लगता है कि हम जग गए। तो पहले उठे मतलब कंठ से दोनों आँखों के बीच में आए, और इसके बाद जब सारा शरीर हिलडुल करने लगा, आँख कान नाक मुँह सब जब काम करने लगा, तब लगता है कि हम जग गए। तो पहले उठना और तब जगना। इसी तरह से अब क्या होता है, कहते ये असली जगना नहीं है तो फिर से उठना पड़ेगा, तब हम असली ढंग से जगेंगे। तो अब कैसे उठना पड़ता है? तो दोनों आँखों के बीच से हम जब ऊपर में जाते हैं मस्तिष्क में, तो वहीं पर जब हम उठ जाते हैं और तब वहाँ जाने के बाद जो हमको ज्ञान होता है तो वो असली जगना होता है। तो वहाँ पर क्या है? तो नेत्रस्थम जागृतम कंठे स्वप्नम स्नावशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तो मूर्धनिसं तुरियम मूर्धनि संस्थिता। तो मूर्धा में जब ये जीव जाता है तब ये पूर्ण रूपेण जग जाता है।